नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का समाधान इंडिया में। खबर गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड से है। जमुआ प्रखंड के गोरो गांव में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट उसके मरने के बाद आई है, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि और उसकी जो जाँच रिपोर्ट आई, तब तक उसके जो उसका जो शरीर था, पार्थिव शरीर था, उसको दफन कर दिया गया था और कई लोग, उसके रिश्तेदार, गांव वाले, कई लोग उस जनाजे में शामिल हुए थे इस खबर से अनजान कि ये कोरोना पॉजिटिव मरीज है। 9 मई को सूरत से 44 वर्ष एक युवक जो गोरो गांव का रहने वाला था लौटा था, और उसके बाद से उसकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ गई। रांची पहुंचा, रांची पहुंचने के बाद 28 मई को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से उसके परिजनों ने लाश को, शव को गाँव लाया। और गाँव में जो है सो आप जानते हैं कि किसी के मरने के बाद लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस खबर से बेखबर होकर कि ये कोरोना पॉजिटिव मरीज है। इन तमाम विषयों को और अधिक विस्तार से जानने के लिए जुड़ते हैं हम जमुआ प्रखंड के अपने सहयोगी दौलत वर्मा से, और जानने का प्रयास करते हैं कि अभी उस गांव की क्या स्थिति है। कोरोना का कहर लगातार जारी है, और इस बीच ऐसी खबरें हैं जो भय की स्थिति पैदा करती है और सावधान भी करती है। खबर गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड की है, जहाँ गोरो गाँव में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मरीज के मरने के बाद आई है। बताया जाता है कि 44 वर्ष युवक जो 9 मई को सूरत से गिरिडीह पहुंचा था, जिसके बाद से उसे होम क्वारंटाइन कर दिया गया था, लेकिन उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी, जहां कई निजी अस्पतालों में भी उसने इलाज करवाया। स्थिति सुधार नहीं हो पाने के कारण युवक 24 मई को निजी वाहन से रांची पहुँचा, जिसके बाद 28 मई को उसकी मौत हो गई। युवक की मौत होने के बाद परिवार वालों ने एम्बुलेंस से उसके शव को अपने गांव लाया, जिसके बाद उनके जनाजे में कई लोग शामिल भी हुए। इस खबर से अनजान कि युवक कोरोना पॉजिटिव है, जिसमें से कई उनके रिश्तेदार और गांव वाले शामिल थे। और प्रशासन को जब मृतक के जांच की रिपोर्ट की खबर आई, तो प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गई, क्योंकि रिपोर्ट की देरी ने लोगों को कोरोना के नज़दीक लाकर खड़ा कर दिया है। बहरहाल गोरो गाँव को सील कर दिया गया है, साथ ही नो एंट्री का बोर्ड भी लगा दिया गया है। गिरिडीह उपायुक्त व SP ने कई आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। गोरो गांव को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है, साथ ही गोरो गांव से सटे 6 गांवों को बफर जोन में रखा गया है। लेकिन चुनौती अब बड़ी हो गई है, क्योंकि मृतक कोरोना मरीज था, और अब कितने लोगों से वह मिला था, अब उसकी जांच प्रशासन ने शुरू कर दी है। साथ ही वर्तमान में 43 लोगों का स्वाब लिया गया है। डॉक्टर के अनुसार जरूरत पड़ने पर और लोगों का भी स्वाब लिया जाएगा, लेकिन इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए अब आप सभी को बेहद सावधान होने की जरूरत है। समाधान इंडिया की रिपोर्ट। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला, और इलाज के दौरान डॉक्टर ने इसको घोषित किया कि ये कोरोना पॉजिटिव है, और उसकी मृत्यु रांची में हो गई। रांची से लोग यहाँ लाया गया, ला करके इनका दाह संस्कार किया गया। प्रशासन को इसकी जानकारी हुई, पूरे प्रशासन कल यहाँ पर पहुँचे थे। साहब भी थे, SP साहब थे, हमारे अंचल अधिकारी महोदय थे, VDO थे, और बड़े पदाधिकारी यहाँ पर थे, और इसका जांच किया गया। पूरे गांव को इस कारण सील कर दिया गया, पूरे गांव को सैनिटाइजर किया गया है, और गांव को सील कर दिया गया है, और प्रचार वाहन से सभी को सूचित कर दिया गया है कि अभी जो है सो कर्फ्यू लग गया है, कोई भी लोग घर से बाहर आना जाना नहीं करें, और उसी क्रम में बैरियर लगा दिया गया है, लोगों को आने जाने में जो है सो रोक लगा दिया गया है, और समय समय पर बड़े पदाधिकारी इसका निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, और लोग डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, और हम लोग इसका 28 तारीख को रात में हमारा गांव में यही हुआ, जो करंट वाला बीमारी जो चल, कोरोना जो चल रहा है सर, तो इस कोरोना तो लॉकडाउन कब से हुआ था, है ना। हम लोग तो गृहस्थ आदमी, घर गांव में रहने वाले हैं व्यक्ति, वो सब तो बाहर में रहता है, और वो सब आया, और ये क्वारंटाइन जो है उसे अपना घर में घुस गया होम क्वारंटाइन में, तो उसके बाद वो इलाज में इधर उधर गया, ठीक है, और उसके बाद वो रांची ले गया, रांची लेने के बाद रांची में मर गया, तो रिम्स में कहाँ मरा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, कारण कि उतना दूर हम लोग नहीं देखे, लेकिन ये जब रात पहुँचा हूँ, हम लोग पता चला कि 8 बजे रात को
आया लेके लहस लहस लेके ठीक है। तो उसे हम लोग मतलब रखते हैं नहीं, लेकिन उसको रात रात उन लोग मैंने अपना जो क्रियाक्रम है वो सब कर लिया। उसके बावजूद उसका जितना कर कुटुम वो सबका होता है सब रिश्तेदारी अब के वहाँ गया नहीं गया वो तो हम लोग देखे नहीं, लेकिन उनको रात में दफनाया गया। ठीक है ठीक। वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जमुआ प्रखंड के हमारे सहयोगी दौलत वर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दौलत जी, वहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है और उसकी रिपोर्ट भी उनके मृत्यु होने के बाद आई है। वैसे में गोरो पंचायत की ये खबर, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? हाँ सर, ये गोरो पंचायत के गोरो गांव में हुआ सर एक घटना जी। जो ये 9 मई को सूरत से घर आए हुए थे और उनके पहले ये निजी क्लिनिक में इलाज इनका चल रहा था, जैसे चतरो, जैसे बेंगाबाद या फिर यही नजदीकी इनके घर के, और गिरिडीह में भी किए गए। जब इनको ज्यादा यहाँ से दिक्कत आने लगा तो यहाँ से ये अपना पर्सनल गाड़ी करके ये रांची गए इलाज कराने के लिए और रांची में इनका देहांत हो गया 28 तारीख को। और 28 तारीख को देहांत होने के बाद वहां से 8 बजे रात को लाया गया घर। अच्छा, तो और आप जी हमें ये बताएं आप दौलत जी की आखिर वहां उसके बाद से पंचायत की क्या स्थिति है, प्रशासन किस तरह से वहां पर कार्य कर रही है? सब प्रशासन तो मौके पर अभी है और जब इनका मिट्टी दे रहे थे लहास का, ये 44 वर्ष के हैं, उस समय प्रशासन को ये पता नहीं था कि कोरोना पॉजिटिव इनको मिला गया है। सो इनको बाद में सूचना प्रशासन को मिला गया जब चीज किया कल सुबह में 10 बजे। अच्छा, गिरिडीह जिला प्रशासन भी पहुंची थी वहां पर दौलत? हाँ सर, कल ही शाम को हमको भी पता चला कि जिला से भी एसपी साहब और डीसी साहब भी आए हुए थे। उसके बाद से गांव को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है? हाँ सर, चारों तरफ से सील कर दिया गया है और प्रशासन मौके पर है जी, यहाँ पर भी। आप ये हमें बता सकते हैं कि आखिर ये जो रिपोर्ट है, बहुत देर हो गई रिपोर्ट आने में, तो ऐसे में जो वो कई लोगों से संपर्क में भी आए होंगे, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जो इलाज करवाने के लिए लोकल इशू जो निजी क्लिनिक है वहाँ भी आप वो गए थे और गिरिडीह अस्पताल भी पहुंचे हैं, बेंगाबाद अस्पताल भी आप बता रहे हैं कि वो जो पहले अपना इलाज करवाने के लिए गए थे। सर, यहाँ के ग्रामीण लोग का कहना है कि वो निजी क्लिनिक में भी पहले इलाज करा चुके हैं, बेंगाबाद, गिरिडीह, चतरो एवं यही का स्थानीय ग्रामीण में भी कराया गया है इलाज उसका। अच्छा, तो वैसे में प्रशासन क्या उन लोगों का भी जो है सो जांच या फिर लिया गया है, उन लोगों की भी जो है सो उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है या कुछ निर्देश दिए गए हैं, क्या जानकारी? उनको भी होम क्वारंटाइन किया गया है। यहाँ का जो निजी क्लिनिक वाला है, हम उनसे बातचीत किए हैं तो उसका भी निजी मतलब वही क्लिनिक में उसको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, उनका सैंपल ले लिया है जांच करने के लिए। ऐसे में आप हमें ये बता देते, जैसे जनाजे में सिर्फ वही गांव के लोग शामिल थे या और भी उनके रिश्तेदार वगैरह भी आए थे, क्या जानकारी है? नहीं, उनके रिश्तेदार काफी संख्या में उनके गए हुए थे मिट्टी देने के लिए जी, और इसमें हमको लगता है कि अब और भयानक स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है, गोरो गांव का स्थिति ऐसा बताया जा रहा है अभी जी। अभी आप हमें ये बता सकते हैं कि अभी लॉकडाउन और जिस तरह से गांव को सील करने के बाद वहां पर क्या इसका पालन हो रहा है, लोग पालन कर रहे हैं, आवागमन पूरी तरीके से उस पर रोक है, आप बता सकते हैं, जरा जानकारी दे सकते हैं? यहाँ पर अभी कम से कम कोई तो नहीं आना जाना कर रहा है और सबको अभी लॉकडाउन में रखा गया है। और यहाँ पर ये पता प्रशासन के द्वारा ये कि डीलर को आदेश दिया गया है कि किसी को राशन घटता है तो डीलर के द्वारा पहुँचाया जाएगा, घर घर तक पहुँचाया जाए। हाँ, घर घर तक पहुँचाया जाएगा, जो भी सामान उनको घटेगा डीलर के द्वारा पहुँचाया जाएगा जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दौलत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। तो अब सतर्क हो जाइए, घरों में रहिए, सावधान रहिए, सरकार और प्रशासन के द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, गांव में भी धीरे धीरे इसकी जो कोरोना का जो पैट है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब चूंकि 70% आबादी गांव में बसती है तो गांव के लिए स्थिति गंभीर ना हो इसके लिए अब आप सावधान बहुत ज़्यादा रहें, ये समाधान इंडिया आप लोगों से अपील करती है। देखते रहें समाधान इंडिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।